हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, एक जगह चलते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, हम लोग अभी बैकमपुर में हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगल बगल में हम लोग को बहुत सारी दुकानें दिख रही है, और दुकानों में आप देख सकते हैं कि जो रास्ता है, जो सड़क है, रोड में अभी एकदम भीड़ जैसा दिख रहा है, लेकिन हम लोग कभी चलना है एक जगह, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। हम इधर मुड़ रहे हैं, लेफ्ट साइड में ये जाता है आपका झुमका, एक डैम है दोस्तों, हम वहीं पास जा रहे हैं। ये बैकमपुर में पड़ता है, पूरे जिले में छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब हम यहाँ जा रहे हैं, एक पर्यटन स्थल है ये वाला, ठीक है। तो अगर आप कहीं अगर अदर स्टेट से देख रहे हैं तो आप इसको देखिए, पूरा देखिए, ठीक है, ताकि आपको इसमें कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू रहिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अभी निकल चुके हैं। तो ये हम एक ऐसे जगह पर जा रहे हैं तो जिससे बहुत सारे लोग इसको देख चुके होंगे, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि ये बहुत एक पर्यटन स्थल है, ठीक है। बहुत सारे लोग अदर स्टेट से या फिर अदर जगह से इसको देखने लोग आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो में बने रहें और इसको पूरा देखें, ठीक है, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको कुछ इंटरेस्ट जगेगा इसको देखने के लिए। हो सकता है जो देख चुका है वो उसके लिए भी फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो जैसे कि जान सकते हैं ये कि अभी जैसे इसको बढ़ेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ बगल बगल में बहुत सारे घर या फिर बोल सकते हैं बिल्डिंगें बनी हुई है, और जो रास्ता है दोस्तों एकदम पक्की सड़क है, और रास्ते में किसी तरह का कोई भी परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर ट्रैफिक वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, आप इसमें आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो ये टू वे है, ये वाला लाइन जो सड़क रास्ता जा रहा है, इसमें से आप देख सकते हैं, इसमें किसी तरह का परेशानी या फिर ट्रैफिक का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप बाइक से आते हैं, कार से आते हैं, तो आपके लिए ये बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आपको जो भी रास्ते में बहुत सारे यहाँ दुकानें देखने को मिलती है, तो वो जो आप लेना चाहते हैं उसको भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा नहीं, आगे होटल वगैरह नहीं है, लेकिन अब क्योंकि हम शहर से थोड़ा सा दूरी पर है, लगभग 3 किलोमीटर लगभग पड़ जाता है बैकमपुर से, आप जान सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास जो भी साधन है, जो भी रखना चाहते हैं अपने लिए, तो रख सकते हैं। तो देखिए आप, हम लोग अभी तो अभी इसको क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, अभी क्या है, हम ओडगी से आगे बढ़ चुके हैं और जस्ट हम ये झुमका जो डैम है वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो जो झुमका डैम है बहुत बड़ा डैम है, मैं उसका पूरा व्यू आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जो जहाँ पर्यटन स्थल जहाँ बनाया गया है उस जगह को। लेकिन जो दोस्तों इसका जो डैम है बहुत बड़ा है, काफ़ी वर्षों पहले इसका निर्माण किया गया था, लेकिन बाद में टूरिज़्म का जो विचार लाया गया वो बाद में आया है, ठीक है। तो इसको टूरिज़्म के लिए बाद में विकसित किया गया है, ठीक है। वहाँ बहुत सारे क्या बोलते हैं, बच्चों के लिए पार्क वगैरह की व्यवस्था किया गया है, ठीक है। अभी बोटिंग वगैरह का सुविधा है, अब जिसको भी बोटिंग वगैरह करना हो तो उसके लिए भी यहाँ पास सुविधा दिया गया है। तो अगर आप दूसरे जगह से हैं तो इसको आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं तो वो तो जान ही सकते हैं दोस्तों, वो तो यहाँ आते ही हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ।
के बाद आया हूँ, ठीक है, क्योंकि लंबे वर्ष बाद तो मैं आया हूँ, तो पहले नहीं आता था, लेकिन तो देखिए दोस्तों हम लोग अभी आ गए हैं झुमका बांध दिखाता हूँ घूमने के लिए। तो ये देखिए हमारे साथ में मिस्टर बॉयल बैठे हैं, खड़े हैं चल रहे हैं, चल रहे हो ना, तो आज लगता है यहाँ घूमोगे आज यार, मछली के अंदर जाओगे, आज मछली आपको निकल जाएगी मेरे को लग रहा है, इसके अंदर नहीं निकलना, क्या देखने जाएंगे उसी को यार, किसको, मछली के अंदर, वो मछली के अंदर बड़ा दुनिया मछली को देखने आया है, देखो तो चलिए यहाँ पे कुछ है क्या, इसको तो हम लोग लांग कर ही जाएंगे, ठीक है आओ चलते हैं, कहाँ गए वो लोग, चलो हाँ किधर गए, चले चलते हैं आगे साइड। ये देखिए दोस्तों यहाँ लगा है, क्या लगा है, शॉप लगा है, दुकान लगा है, दोस्तों यहाँ चाय के स्टॉल लगा है, जमीन है अभी बाद में पीएंगे है ना, चलते समय अभी घर में चाय जस्ट किया, तो कुछ इस तरह का यहाँ हवा भरा जा रहा है, ठीक है, इसमें हवा निकलता है, इसमें भरा रहा है लगता है, ये मेंटेन के रखा हुआ है लगता है, ये मेंटेन है। तो यहाँ पास हमारा भारतीय फ्लैग तिरंगा झंडा फहर रहा है या फिर लहर रहा है, आई लव कोरिया आपको दिखाते हैं यहाँ से, तो देखिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर से, यहाँ मछली देखिए दोस्तों आप लोग, कुछ दिखाई दिया मछली, बड़ा सा दिखाई दिया ये ऊपर में, अच्छा अच्छा ये है ना, गिरा हूं। नहीं नहीं मत गिराओ, दिख गया, कुछ दिखाई दिया स्पॉटेड, बड़ा सा एक तो है यहाँ मछली, नहीं दिख ही नहीं रहा। देखिए दोस्तों यहाँ पास अभी बना है ठहरने के लिए, ठीक है, इसमें आप आके यहाँ पास एंजॉय कर सकते हैं, ये शेड बना हुआ है, शेड काफ़ी अच्छा है जी इधर का, है ना, ये कहने के लिए हवन कुंडली बना है क्या, पूजा वगैरह करने के लिए, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है इधर, देखिए दोस्तों जस्ट इसका सामने ही है, तो देखिए दोस्तों हम लोग अभी झुमका बांध पर हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी, आप यहाँ से देख सकते हैं, वहाँ देखिए दोस्तों बहुत सारे जो पर्यटक हैं आए हुए हैं, खाता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों हम लोग अभी आए हैं झुमका बांध में, तो यहाँ से देख सकते हैं जो झंडा है हमारा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फहर रहा है, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि हमेशा इस तरह फहरता रहे, लहरते रहे, ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो आई लव कोरिया है ना, तो वाकई हम लोग कोरिया से ही हैं, ठीक है, तो हम लोग अपने कोरिया से ही हैं, तो कोरिया में हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और देख सकते हैं कि हम लोग अभी आए थे बस यही घूमने के लिए, आज हम लोग पास कुछ कहीं जाने का कोई चांस नहीं था ना, बहुत अच्छा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा था, और हम लोग को आज ना कुछ भी मन नहीं कर रहा था, ठीक है, तो हम लोग कुछ नया जगह नहीं गए घूमने के लिए, टाइम कम था, तो यहीं यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कुछ इस तरह की इसका है इनसाइड एरिया है, देख सकते हैं, ठीक है, पूरा गार्बेज पड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये गार्बेज नहीं है, ठीक है, यहाँ पूरा एलगी लोग आप देख सकते हैं, मछली छोटे छोटे दिख रहे होंगे, हाँ, तो चलिए आगे हम लोग दिखाते हैं, यहाँ देखिए वृक्ष नारियल के पौधा लगाया गया है, लेकिन अभी इसका ग्रो नहीं किया है, बस हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पास बना है मंच बैठने वगैरह के लिए, तो यहाँ थोड़ा चलिए हम लोग बैठते हैं यार, तो यहाँ बोटिंग कर रहे हैं यार, चलो चलते हैं घर, करना है मुझे लगता है बोटिंग अभी बंद कर दी क्या, चलो चलते आते हैं बस बोटिंग, चलो इसमें पहले स्कूटर में चल रहा आप, चलिए स्कूटर में, देखिए दोस्तों मैं धीरेन कभी स्कूटर में चढ़ा रहा हूँ, जा धीरेन चढ़ो यार स्कूटर पे, चढ़ो इसमें चढ़ो, चढ़ जाओ यार एकदम सुपर स्टार लगोगे, चढ़ जाओ लगो ना, चढ़ो तो एक बार, क्या खुला होगा मतलब, अच्छा है, देखिए दोस्तों वो दिखाते हैं कि झंडा किस तरह से यहाँ फहर रहा है, ठीक है, जो यहाँ से है ये देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा तिरंगा झंडा लहरता हुआ, यहाँ पास देखिए इस बोट में कुछ, ये क्या है जी,
बोटिंग के लिए। नहीं ये क्या है? कहाँ ये क्या है? ये क्या है? रेनकोट है। रेनकोट इसको पहना के जाते हैं बोटिंग। अच्छा सेफ्टी के लिए है। रेनकोट नहीं उसको क्या बोलते हैं बताएं आपको? क्या बोलते हैं उसी का होगा उस। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग अभी यहाँ पास मजा ले रहे हैं झुमका में, है ना। तो झुमका है कैसे यार, मजा आ रहा है अभी? अरे है ना, तो बहुत नर्वस लग रहे हैं आप। कैसे नर्वस क्यों दिख रहे हैं बताओ तो पहले? कोई नर्वस नहीं है। तो देखो यार हम लोग अभी यहाँ पास आए हैं, ठीक है। काफी समय हो गया, लगभग आधा घंटा हो गया ना। आधा घंटा हो गया है तो कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो हम लोग थोड़ा तो कम से कम बोट का वेट कर रहे हैं दोस्तों, जब बोटिंग को थोड़ा देखना चाहते हैं, ठीक है। अभी शाम हो गया दोस्तों, थोड़ा सा कुछ माइंड ऑफ हो गया है। क्या हुआ है? अभी थोड़ा सा और उधर घूमेंगे, अभी थोड़ा सा उधर और घूमना है, लेट हो जाएगा। वहाँ जाते थोड़ा दिखाते हैं आपको, मौका देंगे यहाँ दिखाते हैं आपको। देखिए अभी आ रहा है गाड़ी उधर से, ठीक है। ये देखिए दोस्तों कलकत्ता स्पोर्ट बोट है, ये जो मोटर है यही मोटर से चलती गाड़ी। इसमें एक ही मोटर आता है पता है? नहीं ये मोटर इधर रहती है, हाँ इधर से ही मोड़ते हैं। इसमें गियर है देखो, तो वो देखिए दोस्तों यहाँ से आता हुआ ये जो बोट है, ठीक है, ये आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? अभी इधर साइड में आके स्टेट यहाँ आगे भी देखिए दोस्तों, अभी गाड़ी लोग यहाँ आएगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ से आ सकते हैं अभी आप भी, मजा लीजिए। ये जानता है, ये देखिए दोस्तों ये आ गए हैं हम लोग का बोट क्लब, ये बोट वाले की टीम आ गए हैं, ठीक है। ये आया, काफी मजा आ रहा है, उठेगा इसमें चले? नहीं अभी शाम हो गया, क्यों नहीं जाएगा? तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, देख लिए यहाँ से आ जाओ। यह देखिए दोस्तों झुमका बांध का जो यहाँ पास है एक जगह है, ठीक है, यहाँ उसका कैंटीन बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये इसका कैंटीन है, काफ़ी अच्छा कैंटीन है, ठीक है। आपको यहाँ जो भी ज़रूरत का चीज़ें हैं सामान वगैरह मिल जाएगी, है ना, मतलब खाने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं। और इधर देख सकते हैं हम लोग यहाँ अभी दोस्तों यहाँ पास देखिए मछली को, ठीक है, यहाँ मछली पानी भरा है लगता है, नहीं भरा है? नहीं सही वाला पानी को यूज करते हैं, खराब कितना है पानी देखिए दोस्तों, खराब हो गया है। अच्छा खराब को। तो देखिए दोस्तों हम लोग को जा सकते हैं, आप लोग जा रहे हैं, हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, थोड़ा टहलने वाले हैं, उसके बाद चलेंगे कैसे घर। तो यहाँ पास एक बार देख सकते हैं थोड़ा कुछ इस तरह का आपको देखने का व्यू मिलेगा, ठीक है। यहाँ पास जो फीस है बहुत बड़ा सा फीस बनाया गया है, कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको। ये रहा फोटो, तो है देखते हैं, जाओगे ऊपर जाओगे। ये देखिए दोस्तों इधर है इसका क्या है, इधर यार पार्किंग एरिया है, पार्क है लेकिन पार्क तो लगता नहीं है। और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पास कुछ फंक्शन रखा गया है, प्रोग्राम रखा गया है, उसका चल रहा है। आ जाओ। तो चलिए दोस्तों आज शाम हो गया है, तब चलते हैं यार, कैसे चलते हैं रिटर्न। हाँ तो यहाँ काफ़ी मज़ा आया, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इसका भी तो लाइट ही चालू नहीं हुआ है यार, कब चालू हुआ इसका? लेकिन शाम हो गया, आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, नहीं मिनट दो मिनट में चालू होने वाला है। अच्छा टाइमिंग को देखते हुए इसको जल्दी। तो दर्शक लोगों को कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? दर्शक लोग कहीं बोलना चाहता हूँ कि पहले यहाँ क्या था कि अब देखने लायक नहीं था, लेकिन अब अच्छा रूटीन बन गया है। तो बहुत शाम हो गया दोस्तों, चलिए हम लोग अब चलते हैं, अब सभी लोग जा रहे हैं अपने अपने घर, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं वापसी की ओर, वापसी की ओर। तो देखते हैं आज होता क्या है, इधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रहा है यार। तो इस भीड़ में देखिए दोस्तों ये देखिए दिखा देते हैं आपको एक बार फीस, ठीक है आपको। मेरे को तो अच्छा लग रहा है, अभी आधा घंटा रुक सकता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं अब, ठीक है, अब समय हो चुका है, तो मैं चलता हूं बैठता हूं। देख सकते हैं दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं घर रिटर्न की ओर। तो अभी शाम के 6:02 हो गए हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं, अब काट दिए हैं सब।
दोस्तों दिख रहा है सामने से गाड़ी चल रही है, ठीक है, वो क्या है सफारी, इसके पीछे पीछे हम लोग निकल रहे हैं। अब हम लोग घूम ले यहाँ से, ठीक है, कहाँ, झुमका बोर्ड। हम झुमका बोर्ड का दूसरे साइड तो नहीं दिखा पाए किनारे को, क्योंकि अभी शाम हो गया है, हम लोग इवनिंग में आए थे, है ना। तो आप देख सकते हैं सामने हम लोग जा रहे हैं, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा लाइट वगैरह चालू हो गया है गाड़ी का, ठीक है। कौन सीट बेल्ट नहीं लगा है जी, लगा लो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं रिटर्न घर की ओर। देखिए आपको छोटा कार बाजार खुल गया है। दोस्तों कार बाजार खुला था, कार बाजार तो यहाँ था ना जी, तो वहाँ चला गया है, अभी वहाँ चल नहीं है, ये भी है सेक्टर टायर शोरूम है, ये आगे आप देख सकते हैं TVS शोरूम और बजाज शोरूम दोनों साथ में ही है, पता नहीं अलग अलग का है, एक अग्रवाल का है और दूसरा और है उसका RK शोरूम का। ये छोटा सा जिम है कहाँ का। देखिए दोस्तों हम लोग एक हैंडलूम का जो दुकान है उसमें हम लोग अभी एंटर कर चुके हैं। खूबसूरत भाई, हर एक माल चीज़ है। जो दुकानें हैं दोस्तों यहाँ पास काफ़ी ज़्यादा अभी भीड़ नहीं है, लेकिन नए नए दुकानें अभी खुल गए हैं, तो थोड़ा सा उसको देखना चाहते हैं, ठीक है, कि क्या क्या यहाँ आइटम मिल सकता है। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों बस वही है जो पुराने स्टाइल वगैरह लगाते हैं, ठीक है, दुकान में वही सबके यहाँ पास नया नया स्टाइल लगाया गया है, तो इसमें कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग बस यहाँ थोड़ा देखने आए थे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास बहुत सारे दुकानें सजी हुई हैं, बहुत सारे जो बच्चे लोग भी आए हुए हैं, तो जो नए नए लोग हैं तो उसके लिए काफ़ी तो मज़ा आ रहा होगा। एक बार आप देख सकते हैं दुकान का, मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों जो मार्केट प्राइस है या फिर बाज़ार प्राइस है उस रेट पर यहाँ पर दिया जा रहा है, और साथ साथ मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पास एक बनाया गया है बच्चों को खेलने के लिए, तो आपको एक बार इसको देख सका दिखा एक छोटा सा मॉल लगा है। हाँ यहाँ देखिए दोस्तों गंगा सिटी के बगल में मॉल लगा है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं बगल में पानी टंकी है, यहाँ से तुमको दिखा देता हूँ, ठीक है। पानी टंकी के बगल में लगा है स्टॉल, लगा है स्टॉल में देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ लगा है झूला, आप देख पा रहे होंगे इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने अपने बच्चों को झूला रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब ये झूला है आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ा सा झूला है बना हुआ है, अब इधर में एक बार मैं इधर का व्यू आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पास क्या है, यहाँ देखिए दोस्तों हम लोग अभी बलून में हैं, ठीक है, यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ बच्चों का जो झूला है ये कुछ इस तरह का बनाया गया है। यहाँ पास अभी एकदम खाली है, शाम का समय है तो कोई नहीं आया है। और यहाँ देखिए दोस्तों ऊपर में है ना, ये मोटू पतलू वाला देखिए क्या जी झूला है, झूला में काफ़ी मज़ा ले रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं धीरेन को, धीरेन काफ़ी मज़ा ले रहा है, झूला जाता है धीरेन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलाओ और चलाओ और चलाओ और चलाओ आओ चलाओ आओ चलाओ चलाओ। चल रहा है चल रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये छोटा सा स्टॉल यहाँ पास लगाया गया था, ठीक है, ये पानी में कुछ इस तरह से लगा दिया बच्चों के खेलने के लिए, ठीक है, आइटम है। तो चलिए दोस्तों